इस धरती के कर्म योगी, महान संत, महान साहित्यकार, जिन्होंने विश्व भर के अंदर संत निरपेक्षता पर संदेश पहुंचाया, भक्ति का संदेश पहुंचाया, ऐसे महान संत कबीर को प्रणाम करकर मेरी बातों की शुरुआत करना। यही भूमि है जहां पर तोपिया गांव में भगवान बुद्ध ने पहली बार राजसी वस्त्र का त्याग किया और भगवत पहन कर संन्यास को प्रस्तुत किया। यही भूमि है जहां सरयू, राप्ती और रामी तीनों नदियां अपने अमृत बहाती है। यही भूमि है जिसे भूमि भगवान मानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी आता हूं बहुत भावुक और रोमांचित होता हूं, इसलिए क्योंकि तीनों चुनाव 2014 का, 2017 का और 2019 का तीनों चुनाव के साथ मैं जुड़ा रहा। 14 के चुनाव में मैं भाजपा का प्रभारी था, 17 के चुनाव में पार्टी का अध्यक्ष थे और 19 के चुनाव में मैंने पार्टी का अध्यक्ष था। तीनों चुनाव में यूपी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भोले शंकर की तरह पूछा कर भोले शंकर दो बार अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, दो बार मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं, तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से बने हुए हैं। 300 सीटों पर साथ योगी जी उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करते हैं, यहां से गुंडा राज नाबूद करते हैं, करोड़ों दीन दुखियों के घर में मोदी जी की भेजे हुए घर, शौचालय, बिजली, अनाज, स्वास्थ्य की सुविधाएं और गैस की बोतल अगर पहुंची है तो केवल और केवल आपके आशीर्वाद के कारण पहुंची है। आपका ही आशीर्वाद था जिन्हें करोड़ों दीन दुखियों के घर में आज उजाला पहुंचाया है, धुआं निकाला है, स्वास्थ्य को पहुंचाया है और 2 साल से 15 करोड़ लोगों को 2 बार मुफ्त अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।